नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। समुद्र में बढ़ी भारत की ताकत, पनडुब्बी खांदेरी का जलावतरण। पानी के अंदर या सतह पर टॉरपीडो के साथ साथ पोतरोधी मिसाइलों से वार करने और रडार से बच निकलने की उत्कृष्ट क्षमता से लैस स्कॉर्पियन श्रेणी की तूफरी पनडुब्बी खांदेरी का गुरुवार को यहां मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में जलावतरण किया गया। मुंबई में आयोजित एक समारोह में पनडुब्बी को उस पैंटून से अलग किया गया जिस पर उसके विभिन्न हिस्सों में जोड़कर एकीकृत किया गया था। स्कॉर्पियन श्रेणी की यह पनडुब्बी अत्याधुनिक फीचर से लैस है। इसमें रडार से बच निकलने की इसकी उत्कृष्ट क्षमता और फधा हुआ वार करके दुश्मन पर जोरदार हमला करने की योग्यता शामिल है। यह हमला टॉरपीडो से भी किया जा सकता है और ट्यूब लॉन्च्ड पोत विरोधी मिसाइलों से भी। यह पनडुब्बी हर तरह के मौसम और युद्ध क्षेत्र में काम कर सकती है। नौ सैन्य कार्यबल के अन्य घटकों के साथ इसके अंतर संचालन को संभव बनाने के लिए हर तरह के साधन और संचार उपलब्ध कराए गए हैं। यह किसी भी अन्य आधुनिक पनडुब्बी द्वारा अंजाम दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अभियानों को अंजाम दे सकती है। इन अभियानों में सतह रोधी युद्ध क्षमता, पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता, खुफिया जानकारी जुटाना, क्षेत्र की निगरानी करना शामिल है। एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि खांदेरी उन छह पनडुब्बियों में से दूसरी पनडुब्बी है जिसका निर्माण एमडीएल में फ्रांस की मैसर्स डीसीएनएस के साथ मिलकर किया जा रहा है। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है। पहली पनडुब्बी कलवारी समुद्री परीक्षण पूरे कर रही है और उसे जल्दी ही नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी शाखा को इस साल 8 दिसंबर को 50 साल पूरे हो जाएंगे। पहली भारत निर्मित पनडुब्बी आईएनएस शाल्की के साथ भारत 7 फरवरी 1992 को पनडुब्बी बनाने वाले देशों के विशेष समूह में शामिल हुआ था। एमडीएल ने इस पनडुब्बी को बनाया और फिर एक अन्य पनडुब्बी आईएनएस शंकुल के 28 मई 1994 को हुए जलावतरण के काम में लग गया। ये पनडुब्बियां आज भी सक्रिय हैं। एमडीएल के एक अधिकारी ने कहा कि खांदेरी का नाम मराठा बलों के द्वीपीय किले के नाम पर आधारित है। इस किले ने 17वीं सदी के अंत में समुद्र में मराठा वर्चस्व को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई थी। खांदेरी टाइगर शार्क का भी नाम है। यह पनडुब्बी दिसंबर तक समुद्र में और पत्तन में यानी पानी के अंदर और सतह पर परीक्षणों से गुजरेगी। इसमें यह जांचा जाएगा कि इसका प्रत्येक तंत्र पूर्ण क्षमता के साथ काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद इसे आईएनएस खांदेरी के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस। सहारा ने 600 करोड़ जमा करने के लिए वक्त मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। दस्तावेज लीक मामले में अपनी ही एजेंसियों और मीडिया पर भड़के ट्रंप, कहा भुगतने होंगे परिणाम। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ट्रक ने आग ताप रहे 7 लोगों को कुचला, 4 लोगों की मौत। बिहार में औरंगाबाद जिले में सीआईएसएफ जवान ने 4 साथियों की गोली मारकर हत्या की। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के 7 अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।